तो भाई साहब तो अपनी गुड मॉर्निंग हो चुकी हो, आज अपन लोग जल्दी भी उठ चुके हैं, तो फटाफट अब निकलना है। जो बेस्ट रेस्ट सब कुछ चेक कर चुके, बस तुम लोगों को गुड मॉर्निंग बोलने के लिए मैंने कैमरा ऑन करा था कि भैया फटाफट अब देखो टाइम के हिसाब से अपन निकल चलते हैं। तो चलो फिर आते हैं, फिर बताते हैं आज का एक्सपीरियंस क्या। और 3 दिन का सिलेबस अपना छूटा हुआ, तो वो भी आज कहीं ना कहीं से लेके आना। देखते हैं, जो अपने साथ में एक बंदा है गोपाल, उससे पूछा था तो उसने बोला बोला भैया मैं खुद ही शादी से बाहर गया हूँ, तो वो भी आज ही क्लास जा रहा है। कल भी गया था पर उसने कल का सिलेबस भेजा नहीं, तो आज जाके सारा 3 4 दिन का जो भी इकट्ठा हुआ सब लेके आना, और सब आज से पढ़ना चालू करना, और आज से रिवीजन चालू करना। जो पिछली वीडियो में रिवीजन करने का तरीका बताया था उसी से रिवीजन करना अपन को है। तो चलो चले। हाँ तो भाई, हो चुके छुट्टी और आ चुके हम घर, और ये बज गई सीटी। इसी तरह से मेरी भी सीटी बज चुकी है, क्योंकि आज जो है कमाल ही हो गया, धोती फाड़ के रुमाल ही हो गया। क्योंकि जब मैं निकला 7:30 बजे एकदम करेक्ट, भाई साहब मैं पहुंच जाऊंगा टाइम पे, तो गोपाल नामक जो व्यक्ति है अपना क्लासमेट है, वो भाई साहब इतनी लेट आया, मतलब कि जितनी लेट मैं सो के उठता हूँ, यानी कि 8 बजे आया, और हम लोग 8 बजे पहुंचे हैं आज वहाँ क्लास में। तो जाके मैंने पूछा कि सर मेरा कंप्यूटर का कोर्स रह गया 3 दिन, सर बोला हाँ करते हैं कुछ। अब मालूम पड़ा कि मंडे के दिन नया बैच चालू हुआ है। अब ये सर नहीं बोल रहे कि भैया नए बैच में बैठे तू, तेरा कवर हो जाएगा। तो 3 दिन का जो छुट्टा था, मेरे ख्याल से कल की नए बैच से शुरू करनी पड़ेगी, और आज की जो शॉर्ट आएगा वो आएगा कि जब क्लास में नहीं जाती है तो वो क्यों आती है, और ना आए उसके लिए क्या करना चाहिए। तो ये सब चीजें आज की शॉर्ट वीडियो में डालेगी। कल की डालना भूल गया था, हनुमान जयंती के ऊपर ही थी, पर लॉन्ग ब्लॉग डाल दिया और शॉर्ट के लिए टाइम नहीं मिला, तो सोचा क्यों ना आज के दिन में अपना इस टॉपिक बनाया जाए, जो कि स्टूडेंट के लिए एक नॉर्मल सा क्वेश्चन रहता है। मेरी स्टूडेंट लाइफ में भी रहा था, आज भी नहीं जा रही थी, तो सोचा क्यों ना आज ही इसी को कवर किया जाए। तो आज इसी के ऊपर जो है ये लॉन्ग व्लॉग भी रहेगा और मिनी व्लॉग भी उसी के ऊपर आएगा, जो कि टिप्स रहेगी कि हम लोग कैसे उसको अवॉइड कर सकते हैं और कैसे क्लास में सही से बिना नींद के पढ़ सकते हैं। हाँ तो भाई साहब देखो, जो चीज़ है मतलब जो मैंने अभी फेस करी है अपने साथ खुद भी, और जो मैंने एक्सपेरिमेंट करे उनके हिसाब से मैं बता सकता हूँ कि जो नींद आती है वो क्लासरूम में इसलिए आती है क्योंकि वहां तक ये जो नेचुरल लाइट है और नेचुरल हवा ये पहुंच नहीं पाती है। वहां पर फैन चलता है, चलो ठीक है, वो तो इधर उधर से हवा खींच लेती है, पर जो आंखों पे जोर पड़ता है, क्योंकि ट्यूबलाइट चल रही है या एलईडी बल्ब कुछ भी चल रहा है, उसके कारण क्या आंखों पर जोर पड़ता है। अब आंखों पर जब जब तक जोर पड़ता है बॉडी मूवमेंट होती नहीं है, तो इसलिए क्या होता है कि यहाँ की जो मांसपेशी है वो कड़क होनी चालू हो जाती है और जो दिमाग है वो थकने लगता है, और इसलिए वो पढ़ाई से भागता है इधर उधर, तो इसलिए क्या है कि नींद आती है। ये तो है एक चीज। दूसरी चीज ये है कि जो जंक फूड अपन खाते हैं, मानो ना मानो जो जंक फूड होता है अपन खाते हैं आजकल, जैसे लोग मैगी या पिज्जा खा के सो जाते हैं, तो उसके वजह से भी चीजें होती है, क्योंकि बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोटीन मिलता नहीं है, वो भी एक वजह है। तीसरी जो चीज है वो मैं मानता हूँ पानी को, अगर अपन बार बार पानी पीते रहेंगे तो दिमाग को क्या है ताजगी मिलता रहेगा, नहीं तो अगर पानी नहीं पियेंगे तो क्या है दिमाग सिकुड़ना चालू कर देता है, और पानी की कमी से भी ये चीजें होती है। तो अगर आप बार बार पानी पी सको क्लासरूम में तो बहुत बढ़िया है, आपको जो नींद है वो नहीं आएगा। आपने ये टॉपिक इसलिए इतनी फटाफट खत्म कर रहा हूँ, नहीं तो सोचा था कि इसको बहुत अच्छा था सिनेमेटिक लुक लेकर तुम लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि अभी काम आ गया है कल का, घर पे पूजा पाठ है, तो इसलिए जो है कि अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट, ये जा रहे हैं टंकी की भराने के लिए, और अभी मार्केट घूमना है। तो आज जो ब्लॉग है सोचा था कि वो तुमको बताते हुए खत्म करूंगा, पर लगता है कि आज ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि कहते हैं ना जो सोचते हैं वो जरूरी नहीं है कि हो जाए, तो इसलिए अब निकल पड़े टंकी भरवाने के लिए। दुकान जाएंगे, बाइक उठाएंगे और टंकी लेके घर जाना है, बाइक लेके घर जाना है, फिर वहां से जाना है सामान लेने के लिए। तो चलो आगे मिलते हैं बाकी चीजों के साथ। तो जिस तरह से आप ये प्राणी को देख रहे हैं कि ये सोया हुआ है शाम के 7 बजे, उसी तरह से ये प्राणी है जो अभी अभी उठे हैं शाम के 7 बजे। हम लोग दुकान गए, तो दुकान से आ गए टंकी वंकी लेके, गाड़ी गाड़ी लेके, फिर खाना खाने के बाद ऐसी नींद आती है ना भाई, तुम्हारी कसम सोया ऐसा लगा डायरेक्ट कि मैं टाइम मशीन में उठाऊँ। अभी अभी लगा कि बस आधा घंटे की नींद ली और मम्मी ने उठा दिया। तो अब मम्मी के साथ जाएंगे, जो कल घर पर पूजा होने वाली है, सबको इन्विटेशन देने जाना है, मार्केट जाना है, मार्केट का कवर करने की मैं कोशिश करूंगा क्योंकि अब इसमें बैटरी नहीं है, और मैं सोच रहा हूँ कि अब हेलमेट वाले ट्राइपॉड लेना ही पड़ेगा, तभी वो जो चीजें होती हैं वो तुम लोगों को मैं दिखा पाऊंगा, नहीं तो फिर ऐसा लगेगा जैसे कि मैं कूद रहा हूँ, मतलब बस बोला मैं कि मैं जा रहा हूँ वो काम करके मैं आ गया, और अगर ऐसे हेलमेट में रहेगा तो तुम लोगों को कम से कम देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि हाथ बिजी रहता है। जैसे टंकी लेके गए थे, टंकी लेके आया तो उसमें कहीं जेब में मोबाइल रखा है तो निकल नहीं रहा है,
ऐसा है वैसा है, तो हेलमेट भी रहेगा, सर भी सुरक्षित रहेगा, धूप से बच रहेंगे और अपना वीडियो का भी काम होता रहेगा। तो चलो आज जाना है अभी सामान लेने, तो अगर उस तरफ जाना होता है तो जाके पूछ के आते कि आखिर कैसे मिलता है कि नहीं। तो मम्मी भैया देखो अभी कुला कुला के मेहमानों को वहां हमको ले आइए, और अभी जाना है डीमार्ट क्योंकि 8:30 बजे तो हो सकता है कि लेट हो, तो इसलिए आज का व्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं क्योंकि 9 बजे तक वीडियो अपलोड करनी है। तुम लोग जानते हो कंसिस्टेंसी आजकल 9 बजे की दे रही है। मिनी व्लॉग भी आज अपलोड होगा, पर जैसा मिनी व्लॉग सोचा था जैसा लॉन्ग व्लॉग सोचा था वैसा शूट नहीं हो पाया, पर कोई बात नहीं, तुम लोगों को टिप्स दे दिए मैंने। चलो मिलते हैं अब कल के दिन में, ज्यादा बकवास नहीं करते हैं। अब कल जो व्लॉग बनेगा वो बनेगा अपने पूजा पाठ के ऊपर, क्लास जाने के ऊपर। कल जो चीजें होंगी बहुत ज्यादा, मेहमान आएंगे, अब उसमें भी देखो क्या होता है, क्योंकि जब मैं वीडियो बनाने बैठता हूँ कोई ना कोई नाराज होता है, मालूम पड़ा मम्मी मेरे को चिल्ला रही होती है, बोले चुप कर, बंद करिए वीडियो, वीडियो पहले काम कर ले। तो चलो अब मिलते हैं कल।